Assalamu alaikum, dear students. Dear students, as you know that we are, near to finish the T2 chapter, actually T2 syllabus of the maths textbook. So it's the last chapter from the T2 syllabus. The topic of the title is मल्टीप्लीकेशन रेडीनेस. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, जब आप ये लेसन पढ़ेंगे ना, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि इस टॉपिक का नाम मल्टीप्लीकेशन रेडीनेस क्यों रखा गया है. इट इज़ रिलेटेड टू द एडिशन, बट धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि इट हेल्प अस टू नो हाउ वी कैन डू द मल्टीप्लीकेशन एज वेल. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डू फर्स्ट पेज ऑफ इट्स टूडे. What do you see when you look upon at the sky? आप तो हम आपको पहले क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्वेश्चन से स्टार्ट है ये. आप क्या देखते हैं जब आप आसमान की तरफ देखा करते हैं? क्लाउड्स एंड बर्ड्स परहैप्स. ओके, येस, इट इज़ ऑब्वियस. जब हम आसमान की तरफ, जब हम ऊपर स्काई की तरफ देखेंगे, तो या तो क्लाउड्स नज़र आएंगे या तो बर्ड्स नज़र आएंगे, है ना. Sometimes you can see a plane also. तो कभी कभी क्या होता है, हमें जहाज नजर आने लगता है, which is bigger, a plane or a bird. तो आपको क्या लगता है, फिर bird बड़ा होगा या फिर plane बड़ा होगा? What does a plane look so small when it is up in the sky? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं कि अगर हम आसमान की तरफ देखेंगे, स्काई की ओर देखेंगे, तो क्या नज़र आने लगता है? बर्ड्स भी और प्लेन भी कभी कभी नज़र आता है. तो आपको कौन सा ज़्यादा चीज़ जो है, या तो बर्ड या तो प्लेन आपको बड़ा नज़र आ रहा है? अगर प्लेन आपको, बर्ड जो है नज़र आ रहा है बड़ा प्लेन से, तो प्लेन जो है इतना छोटा क्यों नज़र आता है? आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है. And when it is up in the sky, how big is the sky? Okay, can you count the stars? तो अगर ये प्लेन इतना दूर होता है हमसे, तो आप हमें बताइए कि आसमां हमसे कितना दूर है, और क्या आप स्टार्स को काउंट कर सकते हैं? ठीक है, ये तो हम नहीं, मतलब स्टार्स को हम काउंट ऐसे नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि आधे स्टार्स नज़र आते हैं, आधे स्टार्स हमें नज़र नहीं आते हैं, और वो भी बहुत दूर हैं, होते हैं हमसे. तो इसलिए क्या होता है कि हमें स्टार्स ज़्यादा नज़र नहीं आते. ओके, आइडेंटिफाई द ग्रुप्स इन द पिक्चर, सर्कल देम एंड राइट हाउ मेनी इन ईच ग्रुप. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने जो क्वेश्चन पढ़े हैं, हमने जो क्वेश्चन आपसे पूछे, इनका आंसर आप बताइएगा. अगर आपको आंसर नहीं भी मिलेंगे, तो मैं आपको चैप्टर फिनिश करने के बाद इनका आंसर बता दूंगी, ठीक है. फिलहाल तो आप खुद सर्च करिएगा. ओके, कम टू द क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द ग्रुप्स इन द पिक्चर, सर्कल देम एंड राइट हाउ मैनी इन ईच वन हैज़ बीन डन फॉर यू. सो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे, सो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं, तो हमें काउंट करनी है कि इन पिक्चर्स का कलेक्शन कितना है, ये कितने हैं इस पिक्चर में, ठीक है. 1, 2, 3 एंड 4. सो हियर फोर क्लाउड्स. सो यहाँ पे ऑलरेडी लिख के है कि यहाँ पे चार क्लाउड्स हैं. नाउ वी हैव टू चेक आउट हाउ मनी बर्ड्स आर देयर. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. सो सिक्स बर्ड्स आर इन नंबर हियर, सो यू हैव टू राइट डाउन हियर 6 birds. Okay, next, aeroplanes, 1, 2 and 3. So you have to write down here 3 aeroplanes. Okay, next, kites, 1, 2, 3 and 4 and 5. So you have to write down here 5 kites. Next is balloons and butterflies. So you will do these two by own. Okay. Next is circle and count the numbers of equal groups. One has been done for you. Okay. So what we have to do, dear students, हमें क्या करना है? हमें हर एक ग्रुप को encircle करना है, circle and count the number of equal groups. फिर क्या करना है? पहले में circle करना है और फिर काउंट करने हैं कि ग्रुप्स में कितने हैं, ठीक है. ग्रुप्स में एक तो हमें देखना है कि ग्रुप्स
कितने हैं, फिर ये भी देखना है कि ग्रुप्स में कितने ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1, 2 एंड 3 जो एनसर्कल करके है, यानी हमारे पास सर्कल 3 है क्योंकि ये ग्रुप बनाता है, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है और ये थर्ड ग्रुप है, ठीक है। सो हमें यहाँ पे 3 ग्रुप्स ऑफ ईच क्लाउड है, ठीक है। सो वट वी हैव टू राइट डाउन हियर इज कि यहाँ पे 3 ग्रुप्स है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 ग्रुप्स लिख के हैं। और अब हमें चेक करना है कि ग्रुप के अंदर कितने क्लाउड्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। सो यू हैव टू राइट डाउन, एक्चुअली हियर इज रिटन ऑलरेडी 4 ग्रुप्स आर हियर, ओके, सॉरी 4 क्लाउड्स आर इन ईच ग्रुप। नाउ वी हैव टू चेक आउट दिस एरोप्लेन। एरोप्लेन कितने ग्रुप्स हैं, अगर हम देखेंगे 1, 2, ठीक है। सो यू हैव टू एनसर्कल दिस लाइक, ओके, फर्स्ट सेकेंड। सो हेयर आर 2 ग्रुप्स, सो वी हैव टू राइट डाउन हेयर 2 ग्रुप्स, ओके। देन अब हमें देखने हैं कि ईच ग्रुप में कितने प्लेन्स हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3। सो हमें क्या लिखना है, हर एक ग्रुप में 3 प्लेन्स हैं, तो यहाँ पे है 3 प्लेन्स ईच, ओके। अच्छा, अब हमें चेक करना है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो यहाँ पे है 6 ग्रुप्स। सो यू हैव टू फर्स्ट एनसर्कल देम, ओके, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो यू हैव टू राइट डाउन हियर 6 ग्रुप्स ऑफ कितनी वर्ड्स हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 वर्ड्स आर इन ईच ग्रुप। सो यू हैव टू राइट डाउन हियर 6 वर्ड्स, 6 ग्रुप्स में 6 वर्ड्स हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा अब, ठीक है। सो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो डियर स्टूडेंट्स यू विल डू प्रैक्टिस बाय योर ओन, कि यहाँ पे जितने भी मैंने लेफ्ट किए हैं ऐसे रिमेनिंग छोड़ दिए, तो ये आप खुद करेंगे आज, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, ओके, अल्लाह हाफिज़।